मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8th में आप प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे। इसमें है प्लास्टिक इज लाइट स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। जो प्लास्टिक होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है और ड्यूरेबल होती है, यानी लंबे समय तक हम इसे यूज कर सकते हैं। प्लास्टिक्स आर जनरली चीपर देन मेटल्स, ये धातुओं से सस्ती होती है। दे आर वाइडली यूज इन इंडस्ट्री, इसे इंडस्ट्रीज में ज़्यादा यूज किया जाता है। फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल्स, और हाउस होल्ड जो आर्टिकल्स होते हैं, जो सामान बनाया जाता है उसमें इसे यूज करते हैं। प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स, ये पुअर कंडक्टर होती है। हीट और इलेक्ट्रिसिटी इसमें कम पास होते हैं, इसलिए ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है। हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर्स, स्क्रू ड्राइवर्स के जो हैंडल्स होते हैं, दैट्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक, वो प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट, प्लास्टिक जो होती है और उसका एनवायरनमेंट किस तरीके से होता है, इस पर ध्यान देंगे। ए मटेरियल विच गेट्स डिकम्पोज्ड, एक मटेरियल होता है जो डिकम्पोज होता है थ्रू नेचुरल प्रोसेस, उसमें नेचुरल प्रोसेस होती है, सच एज एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल, जिसे हम बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। ए मटेरियल विच इज नॉट ईजीली डिकम्पोज्ड बाई नेचुरल प्रोसेस टर्म नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो आसानी से घुल नहीं पाते हैं उसे नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। सिंस प्लास्टिक टेक्स सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज, और प्लास्टिक को हम बहुत टाइम तक भी हम रखते हैं तो वो डिकम्पोज होने में बहुत समय लेता है, फिर भी वो डिकम्पोज नहीं हो पाता है। इट इज़ नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली, इसलिए वो एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं होता। इट कॉजेज एनवायरमेंट पॉल्यूशन, और वो एनवायरमेंट पॉल्यूशन करता है। बिसाइड्स बर्निंग प्रोसेस इन द सिंथेटिक मटेरियल इज क्वाइट स्लो, और जलाने पर वो धीमे धीमे जलता है। एंड इट डज नॉट गेट कम्प्लीटली बर्नट ईजीली, और आसानी से उसे पूरा जलाया भी नहीं जा सकता। इन द प्रोसेस इट रिलीजेज लॉट्स ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स, और उससे बहुत सारी जहरीली गैसें निकलती हैं इन टू द एटमोसफियर कॉजिंग एयर पोल्यूशन, और इसमें एटमोसफियर में एयर पोल्यूशन हो जाता है। अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक्स एज फॉर एज पॉसिबल, जहाँ तक पॉसिबल हो हमें प्लास्टिक का यूज नहीं करना चाहिए, उसके यूज से बचना चाहिए। मेक यूज ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन और जूट, और जो बैग जो होते हैं यूज करने वाले, वो कॉटन और जूट से मिलके बने होने चाहिए, या तो कॉटन का बना हुआ हो या जूट का बना हुआ हो। व्हेन वी गो फॉर शॉपिंग, जब हम दुकान पर जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, तो हमारा ये रेस्पॉन्सिबल सिटीजन के हिसाब से ये ड्यूटी बनती है। रिमेंबर द फोर आर प्रिंसिपल, तो इसमें हमें फोर आर प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर वन, रिड्यूज, रीयूज, रिसाइकल और रिकवर। फोर आर प्रिंसिपल में जो फर्स्ट आर आता है उसका मतलब होता है रिड्यूज, यानी कम से कम किसी चीज़ को प्रयोग करना। फिर रीयूज, अगर हम उसे प्रयोग कर रहे हैं तो उसका रीयूज करना, दोबारा से यूज करना, और रिसाइकल, उसे फिर दोबारा से रिसाइकल करना। एंड रिकवर, और उसे रिकवर करने की कोशिश करना। डेवलप हैबिट्स, इस तरह से हैबिट्स जब डेवलप होंगी विच आर एनवायरनमेंट फ्रेंडली, तो हम पर्यावरण को शुद्ध बना सकते हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।